साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि अभी करंट में एक समस्या चल रही है। आपको भी पता होगा, या आपको अगर नहीं पता है तो 4 दिन में आपको मिलेगा ये आदेश कि आप लोगों से 6-6 महीने के स्टॉक मांगे गए हैं। सारे जो हमारे कोटेदार भाई हैं, आप सभी लोगों से 6-6 महीने के स्टॉक्स मांगे गए हैं कि आपने कितना वितरण किया। तो इसके विषय में बहुत लोगों का फ़ोन आता है, कैसे पता किया जाए, या फिर जिसने रजिस्टर नहीं बनाए हैं उनकी दिक्कत है, उनको नहीं पता कितना बांटा था, समस्याएं हैं। तो मैं उनको एक सरल समाधान से बताना चाह रहा हूं इस पर कि आपको कैसे, एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए है और ये वीडियो बहुत आराम से, बहुत पूरा देखें इसको। तो चलिए चलते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि गूगल पे जाना है आपको, और जाने के बाद आप जो अपनी नॉर्मल वेबसाइट खोलते हो राशन की, खाद्य रसद विभाग की, बस आपको वही खोलनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सीधे उस पर जाके राशन डाल दीजिए, राशन क्लिक करते ही आपको ये FCSUP आएगी। तो इसको जैसे देखिए आप खोलिएगा, बस यहीं पर ध्यान देने की बात है। आप ऊपर जाएंगे, उसको कीजिए नीचे, ये जो आपका सिस्टम खुलता है, यहाँ पे जो जानकारियाँ देंगे इसमें आपको POS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण दिया गया है, बस आपको यहीं पे जाना है। POS देखिए ऊपर से तीसरे नंबर पे POS के माध्यम से, सॉरी, खाद्यान्न वितरण, बस इसी को आप क्लिक कर लीजिए। थोड़ा सा नेट की स्पीड धीमी है इसलिए टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं। तो देखिए इस तरीके से खुल जाएगा ये, जब POS से राशन वितरण को, जो जिस ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो इसमें ये देखिए, आप देखिए ऊपर वर्ष 2019 दिया हुआ है, 2019 माह सितंबर, क्योंकि चूँकि अभी ये सितंबर चल रहा है इसलिए दिखा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको मान, चलिए हम सपोर्ट मान लेते हैं जनवरी का आपको वितरण चाहिए, तो जनवरी आपको क्लिक किया, यहाँ पे जनवरी आ गई है, क्षेत्र नगरी ग्रामीण, इसमें आपको जो भी, चलिए आप ग्रामीण को चुन लेते हैं। फिर रिपोर्ट देखें को, आप जो रिपोर्ट देखें दिया है उसको क्लिक कीजिए। रिपोर्ट देखने के बाद आप ये मंडल दिए गए हैं, जो भी मंडल हैं वो सारे दिए गए हैं इसमें, तो आपको जो भी सही लगे, जो भी आपका मंडल हो आप उस मंडल को क्लिक कर लें। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए कानपुर मंडल जैसे दिया है, कानपुर में हम किसी को भी खोल लेते हैं, इटावा और ये जो भी हैं हमने खोला, फरुखाबाद को क्लिक किया हमने, इसमें जाके हम किसी को भी क्लिक करते हैं। अब ये देखिए गांव दिए गए हैं, गांव, तो इन गांव में से आपको जो भी सही लगे, आप आपका जो भी गांव हो उस गांव को आप इसमें चुन सकते हो, जो भी गांव हो आपका, ठीक है, चुन लिया। उसके बाद देखिए इस तरीके से आया है, जैसे आप डायरेक्ट गांव को भी देख सकते हो, गांव का सारा उसमें दिया है, देखिए आया है, ये नाम है, नाम को मैंने आपको नहीं शो करा रहा हूँ। इतने कार्ड प्राप्तकर्ता, आधार सत्यापित और प्रोक्सी वितरण सारा दिया हुआ है अलग अलग। इसमें गेहूँ किलोग्राम में अंत्योदय 2302, पात्र रस्ती 51-63, कुल 74 क्विंटल 65 किलो, ऐसे ही अंत्योदय, यानी ये पूरी जानकारी आपके इसमें है कि आपने कितना बांटा। इस तरीके से आप किसी भी महीने का, आप जैसे ये था अभी जनवरी, आप फरवरी कर लो, वहीं पे चेंज करके जाके आपको वहीं ऊपर जाना है। अब दिखा देता हूँ, यहाँ पे है देखिए जनवरी है, जनवरी को चेंज करके आप फरवरी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना सारा इसमें डाटा मिल जाएगा,
किस महीने में कितना किया है। अगर आपने बाई चांस रजिस्टर नहीं बन पाया है या रजिस्टर में कोई मिस्टेक है तो आप इस तरीके से अपना उसको सुधार कर सकते हो। इस चीज़ के लिए मेरे पास कॉल्स आ रही थी इसलिए मैंने ये आपको दिया है, मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। और आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आपके लाइक्स मुझे चाहिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो हमारी हिम्मत टूटेगी, हमारी हिम्मत में मजबूती नहीं आएगी हमें। और हम आपके लिए, आपके लाइक्स अगर मिलते रहेंगे तो हम इसी तरीके से आपकी मदद में वीडियो बनाते रहेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।